The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ब्लड प्रेशर आपका कभी भी किसी का भी हमेशा ऊपर नहीं रहता, हमेशा हाई नहीं रहता। तो ब्लड प्रेशर की दवा जिंदगी भर चलना जरूरी नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। ब्लड प्रेशर की दवा लंबे समय तक चल सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि उसका कारण क्या है। अगर आपका ब्लड प्रेशर किसी किडनी की बीमारी, किसी हार्ट की बीमारी, किसी दिमाग की बीमारी, किसी हार्मोनल बीमारी उनसे है तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने से आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, दवाई खत्म, दवाई लेने की जरूरत खत्म। अगर ब्लड प्रेशर नमक ज्यादा लेने से है, सिर्फ नमक कम कर देने से ब्लड प्रेशर खत्म हो जाएगा, दवाई की जरूरत खत्म खत्म। लेकिन अगर डॉक्टर आपको दवा दे देगा और बोलेगा कि भाई साहब ये दवा खाओ चार दिन उसके बाद बंद कर देना, तो ये गलत है। क्योंकि दवा खाते हुए आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा नॉर्मल आ रहा है, लेकिन दवा बंद करने के बाद क्या गारंटी है वो फिर नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपको पहले कारण डायग्नोस करना बहुत जरूरी है कि आपके टेस्ट में क्या गड़बड़ी है। नमक कम कर देने से एक ट्रायल पीरियड में, कुछ दिनों में, एक हफ्ते में, दो हफ्ते में ब्लड प्रेशर कितना कम रहता है। रोजाना ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग में सुबह, दोपहर, शाम दो बार कम से कम जब रेस्टिंग स्टेट में आराम से बैठ के आप ब्लड प्रेशर लेते हो सही तरीके से, तो कितना रहता है उस बेसिस पे आपकी दवा डिसाइड होती है। और हर बार ऐसी ही बेसिस पे डिसाइड होता है कि दवा कम करनी है कि नहीं। तभी आपको इतने सारे नेचुरोपैथ्स और इतने सारे आयुर्वेदिक और इतने सारे लोग दावे के साथ बोलते हैं ब्लड प्रेशर की दवा बंद कर देंगे, योगा से दवा की बंद कर देंगे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं, आपको सही तरीके से जीना बोलते हैं। जब सही तरीके से जीना तो आपको ऑलरेडी करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। लेकिन जो ब्लड प्रेशर बंद करने, दवा बंद करने का तरीका है वो है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग अगर आप करेंगे ये सब करते हुए, सही डाइट, सही लाइफस्टाइल, सही दवा, सही सोना, सही स्ट्रेस अवॉइड करना, एक्सरसाइज करना, नमक कम खाना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी का जल्दी किसी के बाद में ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है किडनी, लिवर, हार्ट या कोई इसमें, उसको ठीक करेंगे तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तब क्या होगा, आपके रेगुलर मॉनिटरिंग सुबह शाम ले रहे हो, एक हफ्ते बाद पता चलेगा ओके ये ब्लड प्रेशर तो 120 से कम आ गया, चलो ठीक है देखते हैं। अगले हफ्ते पता चले ओके ब्लड प्रेशर तो 110 से कम आ गया, ओ ज्यादा हो गई, अब ऐसा करते हैं दवाई आधी कर देते हैं। ओके अब आधी दवा से भी ब्लड प्रेशर 120 से कम आ गया, ओके चलो दवाई और आधी कर देते हैं। ओके 110 से कम आ गया और आधी से, आप दवाई बंद करके देखो फिर भी मॉनिटरिंग चलने दो, ओके आपका ब्लड प्रेशर बिना दवा के नॉर्मल रह रहा है, देन यू आर गुड, देन यू आर ओके। तो क्या है कॉमन, सबसे जरूरी, मॉनिटरिंग। कब? हर रोज एटलीस्ट वंस, दो बार तीन बार बहुत अच्छे। सो ब्लड प्रेशर को ठीक करने का, कम करने का, खत्म करने का तरीका है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग के बाद हर इंसान में कुछ कुछ अलग काम करता है। किसी में दवा काम करेगी, किसी में डाइट काम करेगी, किसी में एक्सरसाइज काम करेगी, किसी में योगा काम करेगा, किसी में सही नींद काम करेगी, हर एक में कारण अलग हो सकता है। इसीलिए आपके केस में कौन सी चीज असर करेगी जिससे कि ब्लड प्रेशर कम होगा, ये आप और आपके डॉक्टर को मिल के डिसाइड करना है जो आपको करना चाहिए। ठीक, इस तरह से ब्लड प्रेशर को आप खत्म कर सकते हैं स्लोली, हर प्रकार का। कुछ प्रकार का ब्लड प्रेशर है, जब तक इसका कारण नहीं खत्म होता, वो खत्म नहीं होता, तब तक आपका मॉनिटरिंग में हाई आएगा, तब तक आपको दवा लेते रहेंगे, चाहे वो एक साल है, चाहे दो साल है, चाहे 10 साल, उस बीच आपने ढूंढते रहना है और कोशिश करते रहनी है, वेरी सिंपल। तो ये है तरीका ब्लड प्रेशर की दवा बंद करने का, अपने डॉक्टर के साथ खुद मिलके और सही लाइफस्टाइल जी के। क्या लाइफस्टाइल जी के? आपको एक हार्ट हेल्दी डाइट खानी पड़ेगी, जिसमें के डैश डाइट है, DASH, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जिसमें फाइबर ज्यादा हो, फ्रूट्स ज्यादा हो, वेजिटेबल्स खूब ज्यादा हो, पोटेशियम ज्यादा हो, पानी ठीक ठाक मात्रा में ज्यादा हो, और एटलीस्ट एक्सरसाइज हो आपकी 2.5 घंटे की या 40 2.5 घंटे की एक्सरसाइज पूरे दिन में, पूरे हफ्ते में, या बहुत जरूरी है। और
आपको सिगरेट पीड़ी बंद करनी पड़ेगी, तंबाकू बंद करना, दारू बंद करना पड़ेगा, या दारू लिमिट करनी पड़ेगी, कम से कम उतना तो करना ही पड़ेगा। आपको नमक कम करना पड़ेगा, 1500 मिलीग्राम पर डे नमक खाना पड़ेगा। नमक बंद करना नहीं है, बंद करोगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। स्ट्रेस कम करना पड़ेगा लाइफ से, नींद लेनी पड़ेगी 8 या 9 घंटे की रोज, और मेडिटेशन, योगा, डी स्ट्रेस चीजें करनी पड़ेगी। फालतू की उकसा देने वाली, गुस्से वाली, झगड़े वाली न्यूज़ या ऐसी चीज़ें, वीडियोस देखने की जगह नॉर्मल एकदम कॉमेडी, बढ़िया हंसाने वाली लाइफ जीनी पड़ेगी। फैमिली के साथ टाइम बिताना पड़ेगा, घर पे रहना है, हेल्दी बॉडी वेट रखना है, शुगर कम खानी है, तो इन सब से बिल्कुल ब्लड प्रेशर ठीक होगा और मॉनिटरिंग में कम आएगा। करोगे तो होगा, है कि नहीं? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So, ये सब जरूरी है। अगर इनसे भी नहीं हो रहा, आप नहीं कर सकते, उन लोगों की फिर दवा चलती है लंबे समय तक, राइट?